बीजेपी के नेता राम कदम ने रिया और महाराष्ट्र सरकार के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया है और कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने संदीप सिंह के महाराष्ट्र बीजेपी से रिश्तों की बात कही है। बीजेपी नेता राम कदम ने सीधा सवाल पूछा है कि आखिर रिया चक्रवर्ती महाराष्ट्र पुलिस के दफ्तर क्यों गई, और दूसरी तरफ सचिन सावंत पूछ रहे हैं कि संदीप सिंह बीजेपी के दफ्तर में 53 बार फोन क्यों कर रहा था। कौन सी साठगांठ है महाराष्ट्र सरकार की और रिया चक्रवर्ती की? जब सुशांत का परिवार पुलिस का संरक्षण पूछता है, उन्हें नहीं दिया जाता, उन्हें अपमानित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, पर रिया के पूछने के बाद रेड कारपेट की तरह उसे पुलिस संरक्षण दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार की और रिया की साठगांठ क्या है? क्या सीबीआई जांच का पूरा ब्यौरा वो महाराष्ट्र सरकार को दे रही है? क्या है? इस बात का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। क्या संदीप सिंह जी का नाता था, इसी वजह से ईडी और सीबीआई को बहुत ही जल्दबाजी में बुलाया गया? दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सबसे उच्चतम वरिष्ठ नेता हैं, जिनके बॉलीवुड से बहुत ही नजदीकी संबंध रहे हैं, तो क्या उनको इसके बारे में जानकारी थी या नहीं थी? इस सब की जांच होने आवश्यक है।